लास्ट टाइम हमने क्या देख लिया था कि अगर कोई क्यूब के फॉर्म में हमें रेजिस्टेंस देता है या फिर कैपेसिटर देता है तो उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक आ गई थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया था आपका मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर पढ़ना होता है हमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लैब के अंदर होते हैं। आपने अगर लैब गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे, तो उन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, खास करके मेंस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो फोकस करते हैं कि 12th क्लास को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है ना। तो लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, उन सभी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनमें से कुछ है, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे सिंपल जो इंस्ट्रूमेंट जो सभी ने देखा हुआ होता है वो होता है रियोस्टैट, ठीक है ना। तो रियोस्टैट है क्या, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस तरह का दिखता है। तो रियोस्टैट बोलते किसे हैं, तो रियोस्टैट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ताकि आप उसके अंदर क्या कर सको, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल सको, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो कि आपका कोई सर्किट है, ठीक है ना, आपका ये कोई फिक्स रेजिस्टेंस है आर, आपने कोई सेल ले रखा है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है, और हम अलग अलग तरह से प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से क्या कर सके, चेंज कर सके। तो आप क्या कर देते हो, ये जो डिवाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट बोलते हैं, उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। समझ आ रही है बात, इसका सिंबल हो जाता है, आप रेजिस्टेंस जैसे ही ड्रॉ करते हो, लेकिन एक क्या बना देते हो वहां पे, एरो बना देते हो। यानी मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ये हमें पता है सिंपल रेजिस्टेंस होता है, इसी पे मैं अगर एक एरो बना दूं तो ये क्या बन जाता है, ये सिंबल बन जाता है किसका, रियोस्टैट। समझ आ रही बात। तो पर्पस तो क्या हो गया, सिंपली पर्पस हो गया किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि काम कैसे करता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो देखो इसका जो डायग्राम वहां पे आपको दिख रहा है फोटो में तो ये क्लियर दिख ही रहा है, पर ऐसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है ना, और उसके ऊपर वायर को क्या किया जाता है, काफी टाइटली वाइंड कर दिया जाता है। यानी कि इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं क्या करूं, वायर को काफी टाइटली वाइंड कर दूं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। और यहां से मान लेते हैं कि वायर स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, और यहाँ पे वायर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। इसी को आगे चल के आप नाम देखोगे मैग्नेटिज्म में, इसी को हम सोलेनोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, हालांकि वो बात की बात है। अभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में रियोस्टैट का मतलब क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल या एक सिलेंडर जिसके ऊपर वायर्स को, कंडक्टिंग वायर्स को क्या है, टाइटली वाइंड किया गया है। और आपको इस सर्किट, इस डिवाइस का क्या पता होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता होता है। यानी कि इसके लिए हमें नोन है क्या, लैम्डा, जिसे आप कह सकते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। वो तो हम पता कर ही सकते हैं, मान लो कि आपने जो वायर यूज किया है उसका आपको क्या पता है, लैम्डा पता है, तो आप देख सकते हो कि पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हुए, और इंटू टोटल, जैसे कि मैं बोल दूं कि इस सिलेंडर की रेडियस है आर, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि एक टर्न करने में आपने कितना वायर यूज कर लिया होगा। हम कह सकते हैं कि वन टर्न के लिए जो वायर हम यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 2 पाई आर यूज करेंगे। और मान लो जो वाइंडिंग आपने की है, आपने सिलेंडर के ऊपर जो वायर को बांधा है, उसके लिए एन आपको पता है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ आ रहा है। और लैम्डा मान लो आपको दिया गया है, या लैम्डा नॉट में बोल देता हूं, आपको दिया गया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जो वायर हमने यूज किया है, ठीक है। तो रियोस्टैट के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे डिफाइन किया जाएगा, रियोस्टैट के लिए मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां से कोई एक्स डिस्टेंस आगे चलता हूं, तो इतने से एक्स डिस्टेंस में कितना रेजिस्टेंस होगा, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, आप देखो एक्स डिस्टेंस में कितने टर्न्स आ गए होंगे, एन टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो एक्स डिस्टेंस में टोटल टर्न्स कितने आ गए होंगे, टोटल टर्न्स आ गए होंगे एन इंटू एक्स, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और एक टर्न की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, तो एन एक्स टर्न्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा नॉट, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटू लैम्डा नॉट। तो ये आपको क्या मिल गया, सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ एक्स लेंथ आपको मिल गया।
यानी कि लैम्डा है अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रियोस्टैट, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये बेसिकली है लैम्डा इनटू एक्स। समझ आ रही बात? यहां से आप एक्स एक्स हटा दो, आप सिंपली क्या बता सकते हो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रियोस्टैट और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर के बीच में रिलेशन, ये आ जाएगी 2πRn इनटू लैम्डा नॉट। ठीक है ना? तो या तो हमें क्वेश्चन में क्या किया जाता है, डायरेक्टली ये दे दिया जाता है रियोस्टैट के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, या फिर क्या किया जाएगा, जिस वायर को वाइंड किया गया है उसका आपको रेजिस्टिविटी बता देंगे और ये बता देंगे कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है। तो इस फॉर्मूले से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते। समझ आ गई बात? अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरह का, मैंने बैटरी ले ली है ईएमएफ की और यहां है हमारा रियोस्टैट। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? अब यहां पे आप अगर डायग्राम में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा एक की है, ठीक है, और दो एंड्स हैं, एक को मैंने नाम दिया है ए और एक एंड को नाम दिया गया है बी। दरअसल होता क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो एक ऊपर कंडक्टिंग रॉड भी रहती है इस तरह से। अब इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना? तो आप एक एंड तो सर्किट का कहां कनेक्ट कर देते हो, यहां कनेक्ट कर देते हो जहां से वायर स्टार्ट हो रहा है, यहीं से वायर स्टार्ट होकर उसके ऊपर इस तरह से वाइंड किया गया है। ठीक है ना? और ऑब्वियसली इस तरह से, तो अगर मैं दूसरे एंड को यही कनेक्ट कर दूंगा रियोस्टेट की दूसरी साइड पे, तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा वायर सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एक एंड जहां से वायर स्टार्ट हो रहा है वो आपने सर्किट में लगा दिया, अगर जहां वायर एंड हो रहा है वो भी आप सर्किट में लगा दो तो सारा रेजिस्टेंस यूज हो गया। ठीक है ना? अगर हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में रेजिस्टेंस को लेना है तो क्या किया गया, यहां पे एक कंडक्टिंग की लगा दी गई। ये जो की थी इसका रेजिस्टेंस कैसा था, बहुत ही लो था, और ये जो रॉड है इसका भी रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ही लो है, और सर्किट के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया गया इस रॉड से। ऐसा करने से हुआ क्या, मैंने यार रियोस्टेट के एंड पे नहीं कनेक्ट किया बल्कि रॉड के एंड पे कनेक्ट किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा सोच के देखो, अगर यहां बैटरी से कनेक्ट करंट आ रहा है आई, इस तरह से फ्लो होता हुआ आता है, इन वायर्स के अंदर फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही वो इस की के पास पहुंचेगा वो देखेगा कि यहां जो रास्ता है वहां तो कुछ रेजिस्टेंस है लेकिन ये की ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस की है। सिमिलरली ये कंडक्टिंग वायर भी क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, और हमें पता है करंट कौन सा पाथ लेता है, करंट वो पाथ लेता है जहां रेजिस्टेंस कैसा हो, बहुत ही लो हो। तो यहां तक करंट क्या करता है, आपके रियोस्टेट में फ्लो करता है और उसके बाद वो की से होता हुआ सिंपली इसके अंदर फ्लो करके चला जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सर्किट में सिर्फ कितना रेजिस्टेंस यूटिलाइज हुआ, सिर्फ इतना, ये जो डिस्टेंस है इतना ही रेजिस्टेंस क्या हुआ है, सर्किट में यूज हुआ है। अब अगर आप ज्यादा रेजिस्टेंस को यूज करना चाहते हो सर्किट में तो आप की को क्या करोगे, राइट की तरफ स्लाइड कर दोगे तो फिर ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा, और कम करना चाहते हो तो की को लेफ्ट की तरफ स्लाइड कर दोगे तो कम रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये सिंपल वर्किंग हो जाती है किसकी, रियोस्टैट की, यानी कि हम कंडक्टिंग की को रियोस्टैट के ऊपर मूव करके क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने इंट्रोड्यूस किया है सर्किट में उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो मान लो कि आपने की जो है ए एंड से एक्स डिस्टेंस पे रखी है और लैम्डा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, तो आप सिंपली बता सकते हो कि रेजिस्टेंस जो कि इंक्लूड किया गया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा इनटू एक्स। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है। ठीक है ना? ये यहां पे मैंने लिख दिया, यानी एल लेंथ अगर आपने की की डिस्टेंस रखी है ए पॉइंट से तो इंक्लूडेड रेजिस्टेंस हो जाता है आर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। ठीक है? तो यहां पे सिंबल भी दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो सभी लोग जरा। जैसे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज्ड इन द रियोस्टैट इज 5 ओम पर मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यूज्ड एज रियोस्टैट इज 1/π सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द करंट इन द सर्किट, 5 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया गया, बताओ जरा। मान लो कि ऐसा आपका सिलिंड्रिकल रियोस्टैट होगा तो आपने वायर को इसी तरह से उसके ऊपर लपेटा हुआ होगा। ठीक है, तो एक टर्न बेसिकली उसकी सरकमफेरेंस हो गई है। मैं क्या निकाल लूंगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यानी कि मैं लैम्डा निकाल लेता हूं, तो वो सिंपली क्या आ जाता है, 2πr, एक टर्न, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और लैम्डा नॉट, ये हो जाता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो इंक्लूडेड रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सिंपली इंक्लूडेड रेजिस्टेंस हो जाता है आपका
लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है ना। अब x हमें बताया गया है क्वेश्चन में कितना है, 10 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर भी आपको बताया गया है 5 ओम पर मीटर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 1 बाय पाए और नंबर ऑफ टर्न्स 5, ये पुट कर देते हैं तो इंक्लूडेड रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा यानी कि 2 पाए रेडियस 1 बाय पाए, ठीक है ना, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कितने हैं 5, और इंटू लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है 5 ओम पर मीटर। समझ आ रही बात। लेकिन यहाँ पे जो वायर है इसकी लेंथ आपने किसमें लिए, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 बाय पाई क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर। समझ आ रही बात। तो इसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देंगे, इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना, इंटू एक 10 और करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या आ गया, आर 5 ओम आ गया, तो आई कितना हो जाएगा 20/5 यानी कि 4 एम्पीयर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं जरा, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जरा। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ रियोस्टेट इज 10 ओम पर मीटर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द की फ्रॉम ए फॉर करंट ऑफ 10 एम्पीयर इन द सर्किट। करंट हमें कितना चाहिए, 10 एम्पीयर चाहिए, तो क्या होना चाहिए बताओ। 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और रियोस्टेट का लैम्डा दिया गया है यहाँ पर 10 ओम पर मीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रखना चाहिए ए से करंट ताकि आ जाए 10 एम्पियर, ठीक है। तो आप जानते हो करंट सिंपली क्या होगा, ई बाय आर यानी कि 1000 बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 ओम पर मीटर, तो मान लो कि एल डिस्टेंस आपने रखी है तो 10 × L सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं। करंट कितना आना चाहिए, 10 एम्पियर आना चाहिए, यहां से एल हमें मिल गया सिंपली कितना, 10 मीटर। प्रैक्टिकल नहीं है पर जो आंसर आया सो आया, ठीक। तो ये था पहला डिवाइस, काफी सिंपल सा है, सिंपली बस आपको क्या देखना होता है कि की की डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। ऐसा ही एक और डिवाइस जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली दिखता कैसा है तो देख सकते हो यहाँ पे फोटो में, इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स दिखता है आपको, ठीक है ना। अब इसका भी पर्पस क्या है, इसका भी पर्पस है सर्किट के अंदर कुछ नॉन रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, आप चाहते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट में रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज कर सकते हो। अब इसकी वर्किंग जो होती है वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेसिकली आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, ढेर सारी कीज होती है, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है, ढेर सारी कीज होती हैं। ऐसे अगर टॉप व्यू आप देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब की का पर्पस ये होता है कि इन सभी के अंदर अगर आप की को इंसर्ट कर देते हो तो हम ऐसा कह देते हैं कि सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहां आपका कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो यहां से इनपुट वायर जा रहा होता है और यहां से आउटपुट वायर जा रहा होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग ऐसी होती है, इन पे रीडिंग दी हुई है, मान लो 1 ओम 2 ओम, ठीक है ना, कुछ इस तरह का रहता है, 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। अब इन पे जो मार्किंग है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए, ठीक है ना, पर वो इस तरह से बनाई जाती है कि कॉम्बिनेशन बना के आप हर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को सर्किट में इंट्रोड्यूस कर पाओ। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, मेन चीज ये है कि यहां से आपके सर्किट में से कोई करंट आई फ्लो करके आया है और वो इस तरह से फ्लो करके इस बॉक्स में से यहां से एग्जिट करने वाला है। तो कौन सा रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूडेड माना जाता है, तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूडेड माना जाता है जिसकी की को आप क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो, यानी कि जिस रेजिस्टेंस की को रिमूव कर दिया जाएगा उसे हम क्या मान लेते हैं, इंक्लूडेड मान लेते हैं सर्किट में। अब ऐसा होता क्यों है ये समझने की कोशिश करो। अगर हम देखें तो मान लो किसी भी एक जो आपको होल यहाँ पे दिखाया गया है उसको अगर आप अंदर से देखो, बॉक्स के अंदर कैसा दिखता होगा, तो कुछ ऐसा दिखता है। यहां से आपका वायर चल के आ रहा है और होल के दूसरी साइड, ये आपका होल हो गया इस तरह से, और दूसरी साइड उसको फ्लो करके जाना है। अब होता क्या है, यहां से जो वायर आ रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, इस होल के नीचे इस तरह से एक कॉइल होती है जिसका कुछ पर्टिकुलर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। समझ आ रही बात। और इस तरह से आपकी कोई की है। अब जो की बनाई जाती है, ध्यान रखा जाता है कि की का रेजिस्टेंस कैसा हो, बहुत ही लो हो। अब आपके सर्किट में से ये जो करंट मैंने यहां से आता हुआ ड्रॉ किया था, उसे मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका करंट सर्किट में से फ्लो करके आ रहा है,
ठीक है ना। और मान लो कि जो कॉइल आपने यहां पे यूज की है उसका रेजिस्टेंस है कुछ 2 ओम, ठीक है ना। तो अगर आप ये की को क्या कर देते हो, इंसर्ट कर देते हो, तो करंट जब यहां कोने पे पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो इस की से आसानी से फ्लो करके दूसरी साइड पे जा सकता है, या वो इस कॉइल में से फ्लो करके दूसरी साइड पे जा सकता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ज्यादा करंट कहां से फ्लो कर रहा होता है, वहां से फ्लो कर रहा होता है जहां रेजिस्टेंस कैसा हो, कम हो। तो हम इसका रेजिस्टेंस लगभग कैसा रखते हैं, नेग्लिजिबल रखते हैं इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो अगर आप की को इंसर्ट कर दोगे और यहां करंट के पास फ्लो करने का रास्ता होगा, तो करंट क्या करेगा, सिंपली यहां से फ्लो करता हुआ यहां चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 2 ओम जो था वो सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं की को अगर रिमूव कर देता हूं, अगर आपने की को रिमूव कर दिया है, तो अब करंट के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, करंट यहां से चलता हुआ आएगा और इस कॉइल में से फ्लो होता हुआ दूसरी साइड जाएगा। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉइल में से करंट फ्लो करके गया है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, सर्किट में इंक्लूड हो गया। समझ आ रही बात? तो ये हो जाती है वर्किंग किसकी, रेजिस्टेंस बॉक्स की। तो ध्यान बस आपको इतना रखना है कि जिस जिस की को आप बाहर निकाल लोगे, जितने जितने रेजिस्टेंस की को आप बाहर निकाल लोगे, वो रेजिस्टेंस सर्किट में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? ठीक है, एक खास बात और, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक की जो यहां पे होती है वहां पे लिखा होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां वाली की पे लिख देते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है सिंपली कि इस तरह से हमारा वायर आता है और यहां से वो जाना चाहता है और बीच में क्या होता है, होल होता है, तो वहां कोई कॉइल नहीं लगाई जाती है। अगर आप कॉइल नहीं लगा रहे तो ऐसा सोच के देखो, अगर आपने बीच में की लगा रखी है तो अच्छी बात है, करंट सिंपली क्या करेगा, फ्लो करके चला जाएगा। लेकिन अगर आप बीच से की को हटा देते हो तो अब करंट के पास फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर करंट के पास फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ आ रही है ना बात? ये आपका कोई एक्सटर्नल सर्किट था, यहां से वायर आया था और यहां से वो बाहर जाना चाह रहा था, अगर आपने की लगा दी तो सीधा सीधा रास्ता है, जीरो रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ और करंट इस तरह से फ्लो करके वहां चला जाएगा। लेकिन अगर आपने की नहीं लगाई है तो हम ऐसा कह देंगे कि एक तरह से सर्किट क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। तो जिस की के नीचे लिखा होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वो बेसिकली क्या होता है, सर्किट ब्रेक करने के काम आता है। समझ आ रहा है? तो ये यहां पे लिख दिया है, डिवाइस यूज टू इनपुट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पिंस, ठीक है ना। इसकी एक्यूरेसी काफी हाई होती है, ठीक है, और ये यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होगा सर्किट में, तो उसे आप यहां से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज जो है वो बस ये आपको याद रखना है, रिमूव्ड की रिप्रेजेंट्स द इंक्लूडेड रेजिस्टेंस इन द सर्किट, जो की आप रिमूव करोगे वो रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूडेड होगा। डायग्राम में बता दिया है कि कंडक्टिंग की जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा ताकि मोस्टली करंट क्या कर सके, फ्लो करके दूसरी साइड जा सके। समझ आए? कोई बेटा पूछ रहा है स्पेसिफिक करंट क्या होता है, स्पेसिफिक करंट का मतलब हुआ है कोई स्पेसिफिक करंट जो आपको चाहिए, मतलब कैसे पूछ सकते हो उसका स्पेसिफिक, जैसे कोई बोले आपको सर्किट में 10 ओम का करंट चाहिए तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना 10 ओम, तो अगर 10 ओम चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर अमाउंट में ही आपको रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये रेजिस्टर सीरीज में लगाया जाता है, ऑब्वियसली सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है, ऐसा देखो आप, ठीक है ना। तो लिख भी लेते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, चाहो तो आप पैरेलल में भी लगा सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, पर जनरली हम क्या करते हैं कि इस तरह से अगर आपके पास सर्किट है, ये आपका ईएमएफ ई हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, कोई फिक्स्ड नोन रेजिस्टेंस आर हो गया, और आप चाहते हो कि हम इसमें कोई ऐसा डिवाइस लगा दें ताकि हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकें, चेंज कर सके, तो यहां क्या करो आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो इस तरह से। समझ आ रही बात? और यहां से करंट को एग्जिट करा दो इस तरह से। अब जनरली क्या होता है, बॉक्स इस तरह से दिखता है कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, तो कुछ इस तरह से वायर आता है, यहां आपके होल्स होते हैं, ठीक है, और यहां से वो क्या करता है, एग्जिट कर जाता है सर्किट। तो जिन जिन होल्स में से आपने पिन निकाल रखी होगी उन उन से क्या होगा, उन उन की कॉइल से करंट फ्लो करेगा, तो वो सभी सर्किट में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने भी पिन्स आप निकालोगे वो सारे रेजिस्टर सीरीज में होंगे, ये बात बिल्कुल सही। जितने भी रेजिस्टर होंगे जिनकी भी आपने पिन्स निकाली है वो सभी जो आएंगे वो सीरीज के अंदर आएंगे,
यानी कि मैं अगर एक एक ओम की पिन निकाल देता हूं, एक दो ओम की पिन निकाल देता हूं, तो इंक्लूडेड रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम हो जाएगा। समझ आए? गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो देखो, ये किसी भी सर्किट के अंदर क्या कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है और उसकी डायरेक्शन को भी मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसका यूज आ गया आपके पास, गैल्वेनोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज क्या हो गया, कैन मेजर करंट एंड इट्स डायरेक्शन। अच्छा कंफ्यूज मत होना, करंट की डायरेक्शन का मतलब समझते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। कैसे मेजर करता होगा, तो मान लो कि आपका इस तरह से रहता है गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग वाला डायल है, बीच में क्या होता है, एक नीडल होती है, ठीक है ना। यहाँ बीच में रखा जाता है जीरो और यहाँ रीडिंग होती है, जैसे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। सिमिलरली यहाँ भी होती है 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, सेम रीडिंग्स दोनों साइड पे आपको रहेंगी। और आप क्या करोगे, किसी भी ब्रांच के अंदर इस तरह से गैल्वेनोमीटर को लगा दोगे। अब करंट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करके जा रहा है, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन किधर शो कर देगा, राइट साइड में शो कर देगा। सिमिलरली अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन उतने करंट का कहां कर देगा, लेफ्ट में शो कर देगा। तो अगर मेरा सर्किट जो एक्सटर्नल सर्किट था वो कुछ ऐसा था और इसने जो डिफ्लेक्शन शो किया वो मान लेते हैं राइट साइड में शो किया, तो मैं क्या समझ सकता हूं वहां से, मैं वहां से ये समझ सकता हूं कि सर्किट में जो करंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि करंट वैसे तो आपको दिखता नहीं है ना, तो आपको कोई डिवाइस चाहिए, तो ये उसका काम हो गया, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का पर्पस सिंपली क्या हो गया, करंट को मेजर करना और उसकी डायरेक्शन बताना। पर इसकी एक समस्या है बेचारे गैल्वेनोमीटर की, क्या कि ये बहुत ही कम करंट को मेजर कर सकता है, यानी ये मिली एम्पियर्स में क्या करता है, करंट को मेजर कर सकता है। अब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो करंट इतना मिली एम्पियर में तो नहीं आता, एम्पियर्स में आ जाता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो अगर 1 एम्पियर भी करंट इस गैल्वेनोमीटर में चला गया तो ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही एक सिंपल इसका ड्रॉबैक है, क्या, कैन मेजर ओनली स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट, ठीक है ना। इसलिए आपने लैब में देखा भी होगा प्रैक्टिकल करते समय कि आप करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते हो, बल्कि इसकी जगह क्या यूज करते हो, एमीटर यूज करते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में बस हमें ये देखना था क्या कि ये क्या कर सकता है, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेजर कर सकता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि काफी छोटे अमाउंट में करंट को मेजर कर पाता है, वैल्यू के करंट। इसकी वर्किंग की बात आती है तो इसकी वर्किंग हम अभी नहीं देखेंगे, इसकी वर्किंग हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है ना। बेसिकली इसमें एक कॉइल होती है जो करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होती है, घूम जाती है, टॉर्क लगता है नीडल के ऊपर, ये सब देखेंगे वर्किंग, लेकिन उसके लिए हमें पहले मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो अगर इसकी वर्किंग सिर्फ अगर आप जानना चाहो तो इसकी वर्किंग क्या हो जाती है, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, ऐसा कुछ दिखता है अगर आपको लैब में दिखाओ, हालांकि अलग अलग तरह के आते हैं, ये सबसे सस्ता वाला है शायद, ठीक है। इसमें बस एक इनपुट और एक आउटपुट है। अब देखो दोनों साइड्स पे क्या है, रीडिंग दे रखी है, ठीक है ना। बीच में एक जीरो है, लेफ्ट में 10 है, राइट में 10 है, लेफ्ट में 20 है, राइट में 20 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे डायग्राम में जो दिखाया गया है वो क्या है, आपको इंटरनल डायग्राम दिखाया गया है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ड्रम है हमारे पास, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये नीडल अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है और आपको बाहर रीडिंग दिखा देती है, ठीक है ना। अब सर्किट में इसका सिंबल क्या रहेगा, ये भी याद रखना है। सर्किट में इसका सिंबल या तो यूज किया जाता है यहाँ पे जी बना के, या फिर यूज किया जाता है एक सर्कल के अंदर नीडल बना के, ठीक है। तो ये सिंबल हो जाता है गैल्वेनोमीटर। क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस होता है किसका, एमीटर का और वोल्टमीटर का। दरअसल हर एमीटर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको थोड़ा सा मेकअप टाइप कर दिया गया है, ठीक है ना। आप कुछ कुछ करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ और वो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी कुछ चीजें करने के साथ करेंगे अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ, तो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। यानी कि बेस एलिमेंट एमीटर और वोल्टमीटर का अगर बोला जाए तो वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बोलते हैं, तो एमीटर का सबसे पहले देख लेते हैं पर्पस। तो पर्पस तो क्या है, टू मेजर करंट इन अ ब्रांच। सर्किट की किसी भी ब्रांच में अगर आप करंट मेजर करना है तो आप जो
डिवाइस यूज करते हो उसे आप क्या बोल देते हो, एमीटर बोल देते हो, और सर्किट में इसका सिंबल हो जाता है, सर्कल के अंदर आप क्या कर देते हो, ए बना देते हो, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्शन शो नहीं करेगा, हालांकि कुछ एमीटर्स आते हैं जो डायरेक्शन भी शो कर सकें, ठीक है, लेकिन अगर हम सबसे बेसिक की बात करें तो ये सिर्फ क्या बताता है, आपको करंट का मैग्नीट्यूड बता देता है, ठीक है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली डीसी एमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में डीसी करंट की ही बात की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमीटर का सिंबल। अब ये बनता किससे है, ये गैल्वेनोमीटर से बनता है। तो कैसे बनता होगा देख लेते। सबसे पहली बात तो क्या हो गया, ये मेजर करता है करंट इन अ ब्रांच। अगर किसी ब्रांच में से करंट मेजर करना है तो शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन सीरीज, इन सीरीज। तो अगर ये आपका सर्किट है इस तरह से, ये बैटरी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया कुछ आर ई, और अगर आप इस ब्रांच में करंट मेजर करना चाहते हो तो आप इस ब्रांच में क्या लगा देते हो, एक एमीटर लगा देते। तो एमीटर क्या करेगा, इसके अंदर से जितना करंट पास करेगा ये उसकी रीडिंग आपको बता देगा। इसमें और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर की समस्या ये थी कि बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर्स में करंट मेजर कर सकता है, जबकि आपका जो एमीटर है ये अच्छा खासा करंट मेजर कर सकता है। इसे हम कितना भी करंट मेजर करने के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही देख लेते हैं कि कैसे आप एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते होगे, ठीक है। तो किया क्या जाता है, ऐसा सोच के देखो, आपको क्या करना है, आपको अपने एमीटर को सीरीज में लगाना है किसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अगर हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा देंगे तो ऐसा सोच के देखो, गैल्वेनोमीटर एक एम्पियर दो एम्पियर का करंट तो बेयर कर नहीं पाएगा, यानी कि सीधी सी बात है आपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में तो नहीं लगा सकते। तो मैंने अगर यहां पे मान लो गैल्वेनोमीटर लगा भी दिया सीरीज में और ऐसे ही छोड़ दिया, और यहां से कुछ करंट आया जिसकी वैल्यू एक एम्पियर दो एम्पियर या बेसिकली मिली एम्पियर में नहीं है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि जो मैक्सिमम अमाउंट में करंट आ रहा है वो इससे पास ना हो, लेकिन इसमें सिर्फ उतना ही करंट जाए जितना कि ये मेजर कर सकता है। तो लोगों ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसे नाम दिया गया शंट, ठीक है ना। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हो, मिली ओम के अंदर बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है, एक एमीटर बन जाता है। ये जो पूरी चीज है इसी को हम नाम देते हैं क्या, एमीटर नाम देते हैं। अब जो गैल्वेनोमीटर होता है ऑब्वियसली उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं उसे आरजी के नाम से बोल देता हूं। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, मान लेते हैं आरजी उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और S क्या है, S है एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसे हमने लगा दिया है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर से। अब जब यहां से I करंट फ्लो करके आएगा तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि उसके पास दो रास्ते हैं। यहां पे हम साफ देख सकते हैं, अगर हमने इस तरह का रेजिस्टेंस यूज किया है कि RG काफी बड़ा हो जाए कंपेयर टू S, तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट कहां से फ्लो करना चाहेगा, S से फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया वो काफी छोटा करंट गया और उसे मैंने नाम दे दिया IG ताकि वो खराब ना हो, तो यहां पे जाने वाला करंट ऑब्वियसली कितना बचेगा, वो बचेगा I माइनस IG। समझ आई बात। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए आप बेसिकली करते क्या हो, बस एक शंट रेजिस्टेंस यूज कर लेते हो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अब IG को हम नाम देते हैं डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन करंट। क्यों बोला जा रहा है इसे डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि यही करंट है जो इसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाने वाला है, ठीक है ना। यहां पे हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं। अगर हमसे पूछा जाए वीए माइनस वीबी कितना होगा, तो वीए माइनस वीबी को अगर आप ऊपर से लिखो तो देखो करंट यहां से एंटर किया प्लस, यहां से एंटर किया माइनस, तो वीए माइनस वीबी हम निकाल रहे हैं। वीए माइनस वीबी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें अगर पोटेंशियल डिफरेंस का ऊपर वाले से, तो आप देख सकते हो सिंपली क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो ऊपर जो करंट जा रहा है वो है आई माइनस आई जी इंटू ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है एस। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, ठीक है ना। सिमिलरली अगर नीचे वाली ब्रांच से ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, ये कितना हो जाएगा, तो नीचे जो करंट जा रहा है वो कितना है आई जी,
और नीचे जो रेजिस्टेंस है प्लस माइनस कितना है आर जी। तो आपने दो ब्रांच से क्या निकाला है, वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड निकाला है। अब किसी भी ब्रांच से निकाला जाए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई एक फिक्स क्वांटिटी आने वाली है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आप वन को इक्वल करो टू के, तो यहां से आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, आई जी इंटू आर जी, ये इक्वल हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, आई जी वन प्लस आर जी बाय एस, ठीक है ना। अब क्या फायदा हुआ इससे, तो फायदा ये हुआ कि देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कौन सा गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट गया आई जी। तो गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग शो कर रहा होगा, मान लो कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं कि डायल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, यहां इसका कुछ जीरो था, ठीक है, यहां इसका कुछ वन मिली एम्पियर था, यहां कुछ टू मिली एम्पियर था। मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना गया, वन मिली एम्पियर गया, ठीक है, तो वो बेचारा क्या दिखाएगा, अपने अंदर गया हुआ करंट शो कर रहा होगा कुछ इस तरह से, वन मिली एम्पियर। अब आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता लग गया कि गैल्वेनोमीटर में वन मिली एम्पियर करंट गया है, आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पता है, और आपको ये भी पता है कि आपने कितने रेजिस्टेंस का शंट यूज किया सर्किट में, यानी कि आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आई कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि जो मेन करंट पूरी ब्रांच के अंदर फ्लो कर रहा था हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने उसे कैलकुलेट कर लिया तो गैल्वेनोमीटर को क्या किया जाता है, कैलिब्रेट कर दिया जाता है। कैलिब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि जहां वन मिली एम्पियर लिखा था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आई की वैल्यू आएगी, अगर मैं अज्यूम कर लूं लेट, ठीक है ना, फॉर वन मिली एम्पियर आई की वैल्यू आती है आपके पास वन एम्पियर, ठीक है, तो आप क्या करते हो सिंपली वन मिली एम्पियर को मिटा के वहां पे क्या लिख देते हो, वन एम्पियर लिख देते हो। तो अब गैल्वेनोमीटर तो क्या सोच रहा है कि वो शो कर रहा है वन मिली एम्पियर, लेकिन ऊपर से रीडिंग मिटा के आपने वहां पे क्या लिख दिया, वन एम्पियर लिख दिया, और इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एमीटर। समझ आई बात, तो हम करते कुछ नहीं है, बस गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट कर देते हैं, यानी कि उसके आईजी के करस्पॉन्डिंग जो आई की वैल्यू आ रही है वो उसके डायल के ऊपर लिख दें, और उस पूरे सेटअप को सीरीज में लगा दें अगर किसी सर्किट के अंदर, तो हम क्या बता सकते हैं, उस ब्रांच के अंदर करंट बता सकते हैं। समझ आई बात, कर लो जरा क्वेश्चन, ट्राई करो जरा, एक सिंपली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू मेजर वन एम्पियर करंट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया गया आपको 10 ओम और डिफ्लेक्शन करंट दिया गया 10 मिली एम्पियर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा देख लो। आई के अंदर आपको सिंपली क्या पुट करना है, आई जी वन प्लस आर जी बाय एस, आपको सारी वैल्यूज दी गई है, आई जी है 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें दिया गया है 10 ओम, और शंट का हमें फाइंड करना है, उसे मैं एस बोल देता हूं। तो सॉल्व करके एस की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 10/99 ओम। देख सकते हैं काफी छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको कि लगाया गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली आइडियल एमीटर के लिए अगर बोला जाए कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो आइडियल एमीटर के लिए हम जानते हैं, अगर आपको एक आइडियल एमीटर बनाना है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस मिलके क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्यों, ताकि वो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि आप बेसिकली एमीटर अगर किसी ब्रांच में लगा रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि उसमें रेजिस्टेंस एमीटर का भी इंक्लूड हुआ हो, ठीक है। तो एक आइडियल एमीटर अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज कर लेते हो, बेसिकली जीरो रेजिस्टेंस यूज कर लेते हो, ठीक है ना। तो बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 10 ओम, find the maximum amount of current that ammeter can measure if the maximum deflection current is 1 milliampere and shunt used is 1 milli ohm. तो आपको maximum current बताना है जो कि आपका ammeter measure कर सकता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, formula में put करना था आपको, formula है I is equal to IG 1 plus RG by S, put कर दो values, maximum current ही हमें पता करना है, ये हो गया 10 की power minus 3, 1 plus resistance of गैल्वेनोमीटर 10 ओम है और शंट है 10 टू द पावर माइनस 3 ओम, ठीक है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 10.001 एम्पियर। तो ये है वो मैक्सिमम करंट जो कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है।
है। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल जाते हैं। कोई क्या करेगा, सर्किट दे देगा आपको अच्छा खासा, और उसके अंदर कहीं पर भी एमीटर लगा देगा, और आपको ये बताना होगा कि उस एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम मान के चलेंगे कि एमीटर्स कैसे हैं, आइडियल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर टू, ए पार्ट का आंसर क्या आएगा? दो एमीटर है A1 और A2, और उनकी रीडिंग हमें बतानी है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, करंट निकालना है। करंट देखो कितना आ जाएगा, 6 बाय R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो और दो हो गए चार, चार और चार पैरेलल में दो, दो और एक हो गए तीन, यानी 6 बाय 3 ओम, यानी कि 2 एम्पियर आपका करंट आ चुका है। यानी कि ब्रांच के अंदर यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, कितना, 2 एम्पियर, इस तरह से जाएगा। और यहां पे ऑब्वियसली अब रेजिस्टर्स किसमें आ गए हैं, पैरेलल में, तो करंट क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो यहां पे 4 ओम और यहां पे 4 ओम, हम जानते हैं पैरेलल में करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहां दोनों का ही करंट क्या है, सेम है, दोनों का ही रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 2 एम्पियर आए जिसमें से 1 एम्पियर यहां से फ्लो करेगा और 1 एम्पियर यहां से, दोनों मिलके फाइनली फिर यहां से क्या मिलने वाला है, 2 एम्पियर। A1 की रीडिंग तो आपकी 1 एम्पियर हो गई, और A2 की रीडिंग क्या हो गई, 2 एम्पियर हो गई। समझ आया, सिंपल है। सी पार्ट का बता दो जरा, सी पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा? यहां पे हम देख सकते हैं ये जो सेटअप है कैसा है, एक व्हीटस्टोन जैसा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है 8 2 16 और 4 4 16, तो A1 में तो कोई करंट आपका जाने ही नहीं वाला है। ठीक है ना, ये दिख जाएगा सीधे से। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, एक ये रेजिस्टेंस आ चुके हैं और ये रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये 4 और 2 हो गया है 6, 8 और 4 हो गया है 12, और फिर ये किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 12 × 6 / 12 + 6, यानी कि 4 ओम। तो यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना मिला है, 4 ओम, साथ में सीरीज में कितना है, 2 ओम है। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो करंट जो निकलेगा बैटरी से वो सिंपली क्या हो जाएगा, 10/6, यानी कि 5/3 एम्पियर। तो ये करंट निकलने के बाद ऑब्वियसली A2 में जाएगा, तो A2 की तो रीडिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5/3 एम्पियर। तो क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि करंट जब डिवाइड हुआ होगा तो एक तो यहां से फ्लो करेगा और एक यहां से फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो क्या निकाल सकते हो आप, करंट निकाल। तो इसका इस्तेमाल तो किया जाता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। मान लो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, और रेजिस्टेंस है आर, और आप जानना चाहते हो कि इसके लेफ्ट वाला पॉइंट अगर कोई ले लू मैं ए, और यहां एक पॉइंट ले लू अगर मैं बी, तो बताओ VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर सिंपली ए और बी के बीच में एक वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही है, जो कि हम जानते भी, अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कितना आने वाला है, आई आर आने वाला है। तो यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है, ऑब्वियसली आपने वोल्ट मीटर को जो लगाया है वो सर्किट की ब्रांच के अंदर तो नहीं लगाया है, कैसे लगाया है, उससे पैरेलल में लगाया है। तो पहला पॉइंट ये भी हो गया, क्या, इट इज यूज्ड इन पैरेलल टू द ब्रांच इन सर्किट। ठीक है ना, तो ब्रांच से आप कैसे लगाओगे, हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाओगे। दूसरी चीज आप ये भी देखो, क्योंकि हमें मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ए और बी के बीच में या आर के अक्रॉस, तो यहां से अगर आई करंट आ रहा था तो हम क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट या सारा का सारा करंट ही कहां से फ्लो करके जाए, आर में से फ्लो करके जाए। क्योंकि जब आई करंट आर में से फ्लो करके जाएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आएगा। अगर वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस हुआ और कुछ करंट इसमें फ्लो करके चला गया तो आर में जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, आई से कम हो जाएगा। तो फिर आई आर की वैल्यू ऑब्वियसली जो आनी चाहिए थी उससे क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो अगर आप आइडियल वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम ये कह देते हैं कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तभी इस ब्रांच का कोई करंट उसमें फ्लो होके नहीं जाएगा और हमें सिंपली क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से आप एक वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हो। ठीक है ना, तो वो कैसे किया जाता है,
एक चीज तो हमें पता है कि ये देखो, मान लो कि ये आपका ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस था आर, ठीक है ना, और आपको मेजर करना है इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, समझ आ रही बात। तो आपने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया इसके साथ पैरेलल में इस तरह से। अब क्योंकि हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ सिग्निफिकेंट होता है, 5 ओम 10 ओम इस तरह से, ठीक है ना। तो जब यहां से करंट फ्लो करके आएगा आई, तो वो देखेगा कि यहाँ एक आर है और यहाँ एक आर जी है, और क्योंकि दोनों कंपेरेबल हैं तो करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला था आई आर, वो अब कैसा आएगा, कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि इस ब्रांच का कोई करंट फ्लो होके आपके गैल्वेनोमीटर में ना जाए, और अगर जाए भी तो बहुत ही कम जाए। तो ऐसा हम तब कर सकते हैं अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को यूज कर लें। अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस को यूज कर लोगे तो यहां से आने वाले करंट के पास दो रास्ते होंगे, एक आर वाला रास्ता और एक आरजी प्लस एच वाला रास्ता, क्योंकि दोनों सीरीज में। ऑब्वियसली एच बहुत हाई है तो आरजी प्लस एच भी बहुत हाई होगा, तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट कहां से फ्लो कर जाएगा, आर से फ्लो कर जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको कैसी मिल जाएगी, एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। ये भी पूरी तरह से एक्यूरेट तो नहीं होगी, अगर आपको पूरी तरह से सही मेजरमेंट चाहिए तो फिर तो आपको क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप क्या करते हो, एक हाई रेजिस्टेंस को यूज कर लेते हो। ऑब्वियसली यहां से करंट फ्लो करके जाने वाला है कितना, आई, और मैं मान लेता हूं कि हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाता है थोड़ा सा, इसे हम बोल देते हैं कितना, आई जी। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी ऊपर वाली ब्रांच से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी, यानी कि डेल्टा वी जो आपको कैलकुलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाएगा सिंपली कितना, आई जी इंटू आर जी प्लस एच। खत्म हो गई बात, क्योंकि आपको आई जी तो आपका गैल्वेनोमीटर दिखा ही रहा होगा, वो तो उसका काम है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अपने अंदर जाने वाले करंट को तो शो करता ही है। तो मान लो कि ये आपका गैल्वेनोमीटर का डायल है, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका 1 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर मान लेते हैं कि करंट दिया 1 मिली एम्पियर, तो आपका गैल्वेनोमीटर शो करने की कोशिश कर रहा है कितना, 1 मिली एम्पियर। आपको आरजी की वैल्यू पता है और आपको एच जो आपने लगाया है उसकी भी वैल्यू पता है। तो इस डेटा के करस्पॉन्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो डेल्टा वी की वैल्यू आई होगी, हम 1 मिली एम्पियर को मिटा के वहां पर सिंपली क्या लिख देंगे, जो डेल्टा वी की वैल्यू आई है वो लिख देंगे। तो गैल्वेनोमीटर दिखाने की कोशिश तो क्या कर रहा है कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, पर कैलिब्रेट करके उसके ऊपर से रीडिंग मिटा के आपने नया डायल लगा दिया है, और वहां पे किसकी रीडिंग लिख दी है, वोल्टेज की रीडिंग लिख दी। इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करके क्या बना सकते हैं, एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं। समझ आई के बाद। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, आपको ये याद रखना है सिंपल, आई जी ऑब्वियसली आपको पता लग ही जाएगा अपने गैल्वेनोमीटर से, आर जी और एच पता ही होता है, ठीक है ना। तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर आप एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस शंट लगा देते हो तो वो एमीटर बन जाता है, और उसी गैल्वेनोमीटर के साथ आप सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो तो वो वोल्टमीटर बन जाता है। समझ आ रही है बात, कंफ्यूज मत होना। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगाते हैं और उस पूरे सेटअप को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो वो एमीटर बनता है, ठीक है ना। यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, पर इस पूरे सेटअप को ब्रांच से कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो पहले। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड डिफ्लेक्शन करंट 20 मिली एम्पियर टू मेजर मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है ना। कितना रेजिस्टेंस हमें यूज करना चाहिए गैल्वेनोमीटर के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है और डिफ्लेक्शन करंट मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर है, अगर आप मेजर करना चाहते हो मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट, क्या आएगा बताओ। सिंपली फॉर्मूला बेस पे बताओ, फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल्टा वी बराबर आई जी आर जी प्लस एच, सब कुछ गिवन है। आपको मेजर करना है 50 वोल्ट तो 50, ये आपको दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी आपको पता है 20 ओम है,
और एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना, यहाँ से एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 2480। ठीक है, तो काफी हाई रेजिस्टेंस है कंपेयर टू 20, हम देख सकते हैं काफी बड़ा रेजिस्टेंस हमें लगाना। ठीक है, अब ये रहे आपके कंप्लीट सर्किट जिसमें कि वोल्ट मीटर भी है और एमीटर भी है। तो बताओ ए पार्ट में क्या क्या रीडिंग आएगी, V1 V2 A1 A2। ठीक है, याद रखना है वोल्ट मीटर बस क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर क्या बताएगा, करंट। ट्राई करो। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। देख लो यहाँ पे 1 और 1 सीरीज के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 1 और 1 सीरीज के अंदर हो जाएंगे 2 ओम। ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 2 ओम, तो ये 2 और 2 पैरेलल में कितने हो गए, 1 ओम, और 1 और ये 2 और 2 4, यानी कि 5 ओम आपका आर इक्विवेलेंट है। समझ आया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 ओम। अब आर इक्विवेलेंट आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। करंट जो बैटरी से निकल रहा होगा वो होगा 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। तो बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, 2 एम्पियर निकल रहा है, यानी यहां से निकलने वाला करंट 2 एम्पियर है। तो इसके अंदर जाने वाला करंट कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। तो हम V2 की रीडिंग बता सकते हैं, V2 की रीडिंग सिंपली होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, जो कि क्या होता है, IR, यानी कि 2 × 2, यानी कि 4 वोल्ट। तो पहले आंसर तो आपका ये आ गया, V2 की रीडिंग क्या होगी, 4 वोल्ट। फिर जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से एक जंक्शन मिला है जहां ऊपर आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम है, नीचे भी आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम है। तो करंट डिवाइड होगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड होने वाला है, यानी यहाँ पे जो करंट जाएगा वो होगा 1 एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो भी होगा 1 एम्पियर। तो यहां से हमें A2 की रीडिंग सिंपली मिल गई, A2 की रीडिंग होगी 1 एम्पियर। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। क्योंकि ये करंट इसके अंदर जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो होगा IR, यानी 1 × 1, यानी कि 1 वोल्ट। ये रीडिंग हो जाएगी किसकी, V1। और I यहाँ से भी हमें पता है कितना है, 1 एम्पियर है, जो कि फ्लो करके A1 के अंदर जाएगा, तो A1 की भी रीडिंग कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, A1 की रीडिंग 1 एम्पियर, A2 की रीडिंग भी 1 एम्पियर, V1 की रीडिंग 1 वोल्ट और V2 की रीडिंग 4 वोल्ट। क्वेश्चन और कर लेते हैं, सी पार्ट ट्राई करो सभी लोग, सी का आंसर क्या आ जाएगा। मेन चीज वही थी, आपको आर से ही निकालना है। ठीक है ना, देख लेते हैं आर कितना होगा। ऊपर वाली ब्रांच में दिख रहा है 1 1 1 1, चारों किसमें है, सीरीज में, तो ये तो आपका हो गया 4 ओम। नीचे देखो 2 और 2 4, ये 3 जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, क्योंकि ये आइडियल एमीटर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है किसको, 3 ओम को। इसके दोनों पॉइंट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो ये 3 ओम आपके लिए क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल एमीटर यूज किया है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी यहाँ 0 रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्टेड है, और जब 0 रेजिस्टेंस है तो सारा करंट इसी से फ्लो होके जाना चाहिए। तो यहां आपका था 4, नीचे है 4, 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 2 और 2, आर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा कितना, 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्योंकि 6 ओम आ गया, तो बैटरी से करंट कितना जा रहा है वो हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 20/6, यानी कि 10/3 एम्पियर। तो बैटरी से करंट कितना निकला है, 10/3 एम्पियर निकला है, जो कि ऑब्वियसली यहां जाएगा। तो A2 की रीडिंग आपको मिल गई यहां से, A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10/3 एम्पियर। ठीक है ना, और देख लेते हैं, अब यहां से करंट फ्लो करके जा रहा है, ऑब्वियसली पूरा घूम के करंट यहां से फिर से कितना आने वाला है, सेम I ही आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। मैं यहां से V1 निकाल सकता हूं, आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है ना, आपको इस ब्रांच में करंट भी पता है कितना है, आई, तो क्यों ना मैं यहां 0 पोटेंशियल मान लूं। तो अगर आप यहां 0 पोटेंशियल मानते हो तो देखो क्या आएगा, यहां 0 मानते हुए अगर रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो -IR, यानी -2I, फिर बैटरी को क्रॉस किया +20, और आप पहुंच गए इस पॉइंट पे। समझ आ रहा है, तो यही रीडिंग होगी किसकी, V1 की बेसिकली।
20 माइनस 2 इंटू करेंट आपका आ चुका है 10/3, यानी 20 माइनस 20/3 यानी कि 40/3। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3 वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1। समझ आया, मैंने इस पॉइंट पे जीरो मान के यहां से करंट का माइनस IR किया और प्लस E करके मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो यही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 के अक्रॉस। आंसर क्या है, 40/3 ओम आया, ठीक है ना। और आगे देख लेते हैं, अब यही करंट I फ्लो करके जा रहा है, ऊपर R इक्विवेलेंट 4 ओम है और नीचे R इक्विवेलेंट 4 ओम है, यानी करंट फिर से इक्वली डिवाइड होगा। तो यहां पे करंट जा रहा होगा आपका I/2 और यहां पे भी करंट जा रहा होगा कितना, I/2। समझ आई बात। अब हमें पता है कि यहां से जो करंट फ्लो करेगा 2 ओम में, 2 ओम में और 3 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट किस में जाने वाला है, A1 में जाने वाला है, क्योंकि हमने 3 ओम को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो A1 में जो जाने वाला करंट है उसकी वैल्यू भी क्या है, I/2। यानी A1 की रीडिंग कितनी आ जाएगी, A1 की रीडिंग I/2 यानी 10/3/2 यानी कि 5/3 एम्पियर आ जाएगी। तो ये रीडिंग होगी किसकी, A1 की। सिमिलरली आप A3 की भी रीडिंग बता सकते हो, ऊपर से I/2 करंट गया है, वो इसी में फ्लो करने वाला है, तो A3 की रीडिंग भी कितनी आ जाएगी, A3 की रीडिंग भी हमें मिल जाएगी कितनी, I/2 यानी कि 5/3 एम्पियर। समझ आया, ठीक है ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्या क्या बच गया, एक बचा है हमारे पास V2। तो V2 भी आप सिंपली बता सकते हो, R इक्विवेलेंट यहाँ 2 ओम है और करंट जा रहा है वो I/2 जा रहा है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आ जाएगा V2 को, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, V2 हो जाएगा I/2 इंटू 2 ओम यानी कि I बेसिकली। तो V2 आपको मिल गया कितना, 10/3 वोल्ट, ठीक है ना। बस सबकी रीडिंग आ चुकी है, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो अगर आपको बस क्या करना है, ये याद रखना है कि आइडियल वोल्ट मीटर है तो उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना।